हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड होम रेमेडीज वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे चने मसाले की रेसिपी जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चना मसाला। इसके लिए मैंने चने को भिगो कर रख दिया था और इन्हें बॉईल कर लिया था, दो सीटी लगवा ली थी। प्याज कट कर लिया है, आलू लिए हैं और प्याज को ऐसे लंबा लंबा कट किया है, टमाटो प्यूरी ली है और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हल्दी ली है और नमक है और किचन किंग मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, हरी मिर्ची ली है, लाल मिर्ची ली है और ये चना मसाला है और जीरा लिया है और इसे हम सरसों के तेल में बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई रख देंगे और सरसों के तेल को हम हीट अप करेंगे। तेल को अच्छी तरह से पकाएंगे, तेल कच्चा नहीं रहना चाहिए। तेल अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये जीरा है, हम जीरा डाल देंगे, साथ ही हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इन्हें क्रैकल होने देंगे। अब हम ये प्याज डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से हिलाएंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जब ये थोड़ा अपना कलर चेंज कर देगा तब तक हम इसे पकाएंगे, हिलाते रहेंगे। हिलाएंगे, प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। बस इसको ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, जब ऐसा हो जाए तब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हिला देंगे। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर देंगे। चना मसाला में टमाटर खुले ही पड़ते हैं, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। हिलाएंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें कट किए हुए आलू डाल देंगे। आलू जब भी आप चना मसाला बनाएं तो जरूर डालें, क्योंकि आलू डालने से जब आलू थोड़े मैश करेंगे तो जो हमारी करी है वो थिक हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा करी लगा रहे हैं उसमें तो ज़रूर डालिए। अगर आप नहीं भी डालना चाहते, ऑप्शनल है, ये आपकी चॉइस है। किचन किंग मसाला डाला, लाल मिर्च पाउडर डाली है और ये चना मसाला डाल दिया, हल्दी डाल दी और साथ ही नमक डाल दिया और अच्छी तरह से हिलाएंगे और जो मसाले हैं ताकि अच्छी तरह से पक जाएं। इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि कोई भी मसाला जले ना, नीचे ना लगे। और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जब हम चने डालेंगे थोड़ा सा पानी लगाएंगे तब हमारे आलू भी पक जाएंगे और थोड़ी सी अगर चनों में कसर होगी पकने में तो वो भी रेडी हो जाएंगे। थोड़ा सा हम इसे ऐसे पकाएंगे। अब और पानी डाल देंगे। आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतना पानी डाल सकते हैं। चना मसाला मोस्टली थिक ही होता है, इसलिए तरी कम ही लगाएं। अगर आप तरी वाला चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, एज पर योर चॉइस। मैंने इतना पानी डाल दिया।
अब हम इसमें हमारे बॉयल किए हुए चने डाल देंगे। ये देखिए ये डाल दिए हमने, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची भी डाल दी हैं स्लाइसेस, ऐसे अच्छे लगते हैं चना मसाला में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके 15 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि चने अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे और हमारे आलू भी पक जाएंगे, इसलिए हम इसे ढक देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे कुक होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारे चने बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए हम अपने चने सर्व कर लेते हैं, बहुत ही उम्दा बने हैं। ये लीजिए हमारा चना मसाला बिल्कुल रेडी है। पूड़ी, नान या आप भटूरे के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।